अच्छा, फिर उन वैल्यूज़ को निकालने के बाद एंटी इमेज मैट्रिक्स में से जब मतलब हमने देख लिया है वो वैल्यूज़ नहीं आ रही रेंज पे, उनको निकालने के बाद जब हम फिर से जब दोबारा टेस्ट रन कर लेंगे तो ये हमारे पास एक मतलब ये पहले भी आ रहा होगा लेकिन टेस्ट रन करने के बाद हमें डिफरेंट आएगा। लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट दोबारा से रन नहीं किया, वैल्यूज़ को एक्सक्लूड नहीं किया, मैं वैसे ही मतलब समझा रही हूँ। अब ये वाला जो कॉलम होगा, ये वाला जो टेबल होगा, इसमें हमने जो है ये एक्सट्रैक्शन की जो वैल्यूज़ हैं इनको देखना है कि ये आए कोई अगर कोई भी वैल्यू 0.5 से कम होगी तो हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। जस्ट लाइक ये 7 है, 8 है, ये ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू 0.5 से कम आ रही होगी, जस्ट सपोज कोई भी नहीं आ रही वैसे तो, लेकिन मे बी जब हम डेटा में से वेरिएबल्स को कम कर दें तब कोई वैल्यू अगर आ रही हो तो हम उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, इसमें जो है हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि टोटल में हमें ये कितने कंपोनेंट्स बता रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये हमें 9 कंपोनेंट्स बता रहा है, या इसका मतलब ये होता है कि हमारे डेटा में 9 डायमेंशंस हैं। और दूसरा ये कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज आ रही है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर होती है। तो जैसे 72 आ रही है, इट्स वेरी गुड, हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन है कंपोनेंट मैट्रिक्स, और या इसको हम रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसमें कंपोनेंट वन में अब हमने ये जो देखे जहाँ पे भी, अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है ना, इसमें अब ये जो दो वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं एक दूसरे पे, अब हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो, पहले तो ये देखने कोई वैल्यू जो है वो 0.4 से लेस है, अगर कोई लेस है तो हम उसे रिमूव करेंगे। जैसे ये 0.4 से कम है और नेगेटिव में है, वो भी रिमूव कर देंगे, नेगेटिव भी रिमूव कर देंगे, और 0.4 से जो भी वैल्यू कम है हम उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ ये भी